हेलो फ्रेंड्स, मैं मानशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी पर लेकर रीजनिंग की एक और क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमने रीजनिंग में दो चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला था घड़ी और दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया घन। घन के अंदर आपने देखा कि एक तीन विमा वाला यानी कि 3D डायग्राम, उसकी काउंटिंग आपको मैंने सिखाई। उसके अंदर कितने छोटे छोटे घन बनेंगे उसकी काउंटिंग और उनका क्लासिफिकेशन मैंने आपको सिखाया। अब हम बात करेंगे 2D डायग्राम यानी कि दो विमा वाले डायग्राम, उनकी काउंटिंग की बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स को बोलते हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना, इस आकृतियों की गणना की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर को हमें कई हिस्सों में पढ़ना है। वो हिस्से क्या क्या हैं? पहली जो चीज आपको पढ़नी है वो है आयत व वर्ग, आयत व वर्गों की गणना। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो है विकर्णों की गणना। तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना है, जो कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिभुजों की गणना, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। चौथा पॉइंट है सरल रेखाओं की गणना। सरल रेखाओं की गणना। पांचवा पॉइंट है वृत्तों की गणना। ये पांच टुकड़ों में इस चैप्टर को हमने तोड़ लिया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत व वर्गों की गणना। ठीक है जी, आयत व वर्गों की गणना, तो हेडिंग लगा लीजिए काउंटिंग ऑफ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर्स, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की गणना। चलिए, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का अगर मैं क्वेश्चन देता हूं इस तरह से, और एक बच्चे को बोलता हूं अगर उसे कोई भी ट्रिक अभी नहीं पता है काउंटिंग करने की, तो वह किस तरह से इसे काउंट करेगा? तो देखिए, यहां पर जो काउंटिंग करने का तरीका रहेगा वो इस तरह से काउंट करेगा। सबसे पहले वो छोटे स्क्वायर्स यानी छोटे वर्गों को काउंट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे छोटे इस साइज के जो वर्ग हैं वो कितने हैं? 9। उसके बाद में वो इससे बड़े वर्ग काउंट करेगा। इससे बड़े वर्ग कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, यहां से ये एक इस साइज के, जिसके अंदर कुछ इस तरह की आकृति बन रही है, मतलब इस साइज के जो वर्ग हैं वो कितने हैं उन्हें काउंट करेगा। एक, दूसरा ये, दो ये, तीन और ये चार। तो टोटल कितने हो गए? ये चार हो गए। उससे जो बड़ा वर्ग है, जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये सबसे बड़ा वर्ग है, इसे काउंट करेगा, तो ये कितना है? इसका साइज है यहां पर एक। तो टोटल कितने वर्ग हुए? तो टोटल यहां पर 14 वर्ग हुए। ये तो टेक्निक थी जनरल, जैसे या फिर हम कहें कि कन्वेंशनल जो मेथड है उससे कैसे काउंटिंग करेंगे। एक एक वर्गों को हमने क्या किया? काउंट किया। और मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि किस तरह से वर्ग कहां कहां प्रेजेंट है, कहां कहां पे आपको वर्ग मिलेगा, वो दिखाने की कोशिश करी। पर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ये तो छोटा सा डायग्राम था, अगर ये साइज बड़ा हो जाएगा तब वहां पर इस तरह से काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। काउंटिंग पॉसिबल मतलब फिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको जो समय है वो आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो 15 से 20 सेकंड में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रिक को पढ़ने से पहले क्वेश्चन के अंदर उस पैटर्न को समझते हैं जिसको ये फॉलो करता है। पैटर्न का मतलब कि किस तरह से वर्ग छोटे मिल रहे हैं, उससे बड़ा वर्ग कितने मिल रहे हैं, उससे बड़ा वर्ग कितने मिल रहे हैं, वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं। तो देखिए, उसको समझने के लिए वापस चलते हैं इसी डायग्राम के ऊपर। अगर इसी डायग्राम को मैं वापस बनाता हूं, और ये चीज मैंने आपको वर्गों की काउंटिंग, क्यूब की काउंटिंग कराई थी तब भी समझाया था, कि अगर मैं बात करूं इस तरह का, अगर मेरे पास एक चित्र है और मैं सबसे पहले बात करता हूं कि इसमें छोटे वर्ग कितने हैं, तो ये चीज मैंने आपको वहां पर भी सिखाई थी कि छोटे वर्गों की जब आप काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्षैतिज रेखा पर कितने छोटे वर्ग हैं। तो क्षैतिज रेखा पर आपने देखा 1, 2 और 3, तीन छोटे वर्ग हैं। इसी तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा पर कितने वर्ग हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी तीन छोटे वर्ग हैं। तो क्षैतिज रेखा में तीन छोटे वर्ग हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा में भी तीन छोटे वर्ग हैं, तो इस पूरे स्टैक में, इस पूरी सतह के अंदर कितने वर्ग होंगे? तो आपको क्या करना है, इस तीन को इस तीन से गुणा करेंगे, 9, तो आपको ये पता चलेगा कि छोटे वर्गों की संख्या कितनी है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक पंक्ति में अगर 10 बच्चे बैठे हैं
और ऐसी आपके पास में 12 पंक्तियां हैं तो कुल कितने बच्चे बैठे होंगे, तो एक पंक्ति में 10 बच्चे और ऐसी 12 पंक्तियां तो 10 गुना 12 यानी कि 120 बच्चे उस कक्षा के अंदर होंगे। इसी प्रकार कुछ ऐसा है कि पहली पंक्ति में तीन छोटे वर्ग बैठे हैं और ऐसी तीन पंक्तियां हैं तो 3 × 3 = 9 यानी कि पहले जो छोटे वर्ग हैं वो 3 × 3 करने पर आपको मिलते हैं 9। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि उससे बड़े वर्ग को कैसे काउंट करें। उससे बड़े वर्ग को देखो काउंट करने का तरीका कुछ इस तरह से रहेगा, करने का तरीका यही रहेगा कि अब हम ये देखेंगे कि क्षैतिज रेखा पर इस साइज के कितने वर्ग हैं, इस साइज के कितने वर्ग हैं। तो यहां पर ये एक वर्ग है क्षैतिज रेखा पर और दूसरा ये वर्ग है, तो आप देख सकते हैं कि इस क्षैतिज रेखा पर इस साइज के, ये साइज का तो एक वर्ग था, इस साइज के दो वर्ग क्षैतिज रेखा पर। इसी तरह से आप देखें कि ऊर्ध्वाधर रेखा पर कितने छोटे, ऐसी इस साइज के कितने वर्ग हैं, तो एक तो ये वर्ग हो गया और दूसरा ये वर्ग हो गया। तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर कितने वर्ग हो गए, तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी दो वर्ग हो गए इस साइज के। तो इस साइज के क्षैतिज रेखा पर दो है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर दो है, तो इस स्टैक में टोटल कितने होंगे, तो ये होगा 2 × 2 करने पर 4। आपने देखा था कि इस साइज के कितने वर्ग आए थे, 4। उससे जो बड़ा साइज है, उससे जो बड़ा साइज है वो कितने हैं यहां पर, तो हम देखते हैं कि क्षैतिज रेखा पर ऐसा एक ही वर्ग है, तो क्षैतिज रेखा पर ये केवल एक ही वर्ग है तो मैंने लिखा एक। इसी तरह से ऊर्ध्वाधर रेखा पर कितने वर्ग हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा पर इस साइज का केवल एक ही वर्ग है, ये खुद, ठीक है। तो यहां पर आप करेंगे 1 × 1 तो मिलेगा 1, मतलब कि इस साइज के कितने वर्ग हैं, तो इस साइज का एक ही वर्ग है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से वर्ग निकल रहे हैं। अब आप अगर इस पैटर्न को देखें, यह है वो पैटर्न जिसको मैंने आपको ऑब्जर्व करवाना है, ये पैटर्न है। अगर आप देखें कि यहां पर वर्ग का साइज क्या है, तो आप देख सकते हैं छोटे वर्ग कितने थे, 1, 2, 3 और ऊर्ध्वाधर पे भी कितने थे, 3, यानी कि ये 3 × 3 का एक वर्ग था, ठीक है, ये 3 × 3 का एक साइज था, ये वर्ग था। और अगर आप ध्यान से देखें तो वर्गों की संख्या किस तरह से की गई है कि 3 × 3 था तो सबसे पहले 3 × 3 ही लिखा गया, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या लिखा गया, दोनों तरफ से एक एक कम किया गया और लिखा गया 2 × 2, फिर क्या किया गया, फिर दोनों तरफ से एक एक कम किया गया और लिखा गया 1 × 1, देख सकते हैं। तो यहां पर जो टोटल वर्ग आए वो 9, 4, 1, टोटल कितने 14 वर्ग आए। ये था इस पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन का जो ट्रिक हो गया वो क्या हो गया कि आपको बस इतना सा करना है कि आपको क्वेश्चन का साइज देखना है और फिर क्या करना है, रिड्यूस करते जाना है। यहां से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 × 0 बनेगा, तो जहां पर भी 0 बन जाए वहां पर रुक जाना है, उससे पहले रुक जाना है और वहां तक के वर्ग आपको काउंट करने हैं। तो आप किसी भी स्टैक के अंदर आप वर्गों की संख्या काउंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपके सामने ये साइज आ जाता है जिसमें कुछ इस तरह से आपके वर्ग बने हैं और आपसे पूछा है इसमें कितने वर्ग होंगे, तो क्वेश्चन करने का तरीका आपको क्या पता है कि आपको ये चेक करना है कितने बाय कितने का वर्ग है। तो कितने बाय कितने का वर्ग है, तो क्षैतिज रेखा पर 1, 2, 3, 4, 5 छोटे वर्ग है, तो क्षैतिज पे 5, और ऊर्ध्वाधर पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 × 5 का एक वर्ग है, ठीक है, 5 × 5 का एक वर्ग है। दोनों तरफ साइज बराबर है तो क्या मैं ऐसा देख सकता हूं कि 5 × 5 प्लस 4 × 4 दोनों तरफ से एक एक कम कर दिया, प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, क्या यही प्रोसेस को फॉलो करेगा, नहीं करेगा। तो अगर आप देखें क्या इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो चीज करनी है आपको। मैंने आपको इस तरह से भी समझाया, मैंने आपको डायरेक्ट ये चीज क्यों नहीं समझाई, उसका कारण ये है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें साइज ऐसा आ जाए 6 × 4 इसमें कितने वर्ग है, तब फिर स्क्वायर वाली टेक्निक काम नहीं करेगी, पर ये वाली जो टेक्निक आपने सीखी ये हर जगह काम करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कितना आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 16, 9, 4, 1, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितने वर्ग आ जाएंगे, यहां पर आपका आंसर होगा कि सर यहां पर 55 वर्ग इसके अंदर, क्लियर है बात, 55 वर्ग इसके अंदर होंगे। तो ये तो वो क्वेश्चन था जिसमें आपने क्या देखा, साइज क्या था, बराबर बराबर था, बिल्कुल। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चेस बोर्ड में वर्गों की संख्या ज्ञात करें,
चेस बोर्ड में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले तो चेस बोर्ड कितने बाय कितने का होता है ये मालूम होना जरूरी है। तो जिन्होंने चेस को खेला है उनको पता होगा कि चेस 8x8 का होता है, 8x8 यानी कि 8 ही उसके अंदर खाने क्या होते हैं, क्षैतिज रेखा पर 8 ही उसमें, अगर आप ऊर्ध्वाधर में बढ़ेंगे या फिर उसमें x दिशा और y दिशा में अगर बात करें तो 8 खाने x दिशा में और 8 खाने y दिशा में होते हैं। यानी कि हमें 8x8 के वर्ग के अंदर देखना है कि कितने छोटे वर्ग मिलेंगे। तो करने का तरीका क्या रहेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मालूम है ये टेक्निक, 8x8 है तो 8 का स्क्वायर है, एक एक कम करते चले, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इन्हीं सब का योग तो आपको निकालना है। और इन्हीं सब का योग निकालना है तो या तो ये तरीका है कि आप क्या करें, इन सब का वर्ग निकाल के इनको जोड़ें, या फिर हम क्या करते हैं यहां पर मैथ्स की हेल्प लेते हैं। मैथ्स की हेल्प कैसे लेते हैं, आपने एक चीज पढ़ी होगी समीशन ऑफ एन स्क्वायर, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग किस तरह से दिया जाता है, यह दिया जाता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ठीक है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स, जहां पर एन क्या है, एन है आपकी वो अंतिम संख्या जहां तक आपको एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर n प्राकृत संख्या एक से शुरू हो रही है और एक दो तीन इस तरह से बढ़ रही है, कहां तक है, 8 तक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में n का मान कितना रहेगा, n का मान रहेगा जी 8, यानी कि एक से लेकर 8 तक के वर्गों का योग अगर आपको निकालना है तो कितना आएगा, तो आपको करना क्या है, 8 यहां n का मान 8 है तो यहां n की जगह आप कितना पुट करेंगे, 8 8 प्लस 1 9 और 8 दूनी 16 प्लस 1 17 डिवाइड बाय 6, ठीक है। चलिए भाग लगा लेते हैं, तो ये 2 से कटेगा ये कितना आएगा 4 और ये 3 से कटेगा ये कितना आएगा 3, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 2 से काटा अपन ने और ये 3 से काटा है और यहां पर 8 दूनी 16 और 1 17, तो 4 तिया 12 और 12 इंटू 17, ठीक है, तो यहां पर टोटल आ जाएगा 204, ठीक है, 204 यहां पर कुल वर्गों की संख्या होगी इस चेस बोर्ड के अंदर, ठीक है। आप कर सकते हैं 12 7 84 8 आएगा और 12 और 8 20 204, ठीक है। तो यहां पर कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी चेस बोर्ड के अंदर, 204 होगी, यहां तक की बात क्लियर है। और ये नई चीज जो मैंने आपको सिखाई ये भी आपको समझ में आ गई। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, ये लिख लिया होगा आपने, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें साइज अलग अलग हो, जैसे इस तरह का अगर एक चित्र है इसमें आपसे पूछा है कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहले आप चेक करें कितने बाय कितने का वर्ग है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, क्षैतिज में 5 और ऊर्ध्वाधर में 1 2 3 4, 5x4 का ये वर्ग है। इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर अब आप ऐसे नहीं कर सकते 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसलिए मैंने आपको वो टेक्निक सिखाई कि आपको करना क्या है कितने बाय कितने का वर्ग है, तो 5x4 प्लस उसके बाद में क्या करना है, दोनों तरफ से एक एक कम करना है, करा कितना आएगा 4x3 प्लस, फिर दोनों तरफ से एक एक कम किया कितना आएगा 3x2 प्लस, फिर दोनों तरफ से एक एक कम किया 2x1 प्लस। अब अगर हम दोनों तरफ से एक एक कम करते हैं यहां तो एक बनेगा पर यहां कितना बन जाएगा 0 और 0 जहां पर भी बन जाए वहां पर अपने आप को स्टॉप कर देना है। तो यहां तक टोटल कितने बनेंगे, तो 5 20 12 6 और 2, ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 40, मतलब कि इस चित्र में कुल कितने वर्ग होंगे, तो इस चित्र में 40 वर्ग बनते हुए नजर आएंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है जी, 40 वर्ग आपको इस क्वेश्चन के अंदर नजर आएंगे, यहां तक की बात क्लियर है। तो अगर आपका साइज अलग अलग वाला भी आ जाता है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, वर्गों की संख्या काउंट कर सकते हैं। अब जो आपको ये वर्गों की संख्या आपने काउंट करना सीखा है, इसी की हेल्प से आप एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं, वो क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसी के अंदर सम चतुर्भुजों की गणना, सम चतुर्भुज की गणना, तो सम चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस की काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ रोम्बस। सम चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग और सम चतुर्भुज में अगर बात करें
तो देखिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, पर वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, पर समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। यानी कि ये जो कोण थीटा है, ये थीटा 90 के बराबर नहीं होता है समचतुर्भुज के केस में, तब उसे हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो वर्ग और समचतुर्भुज एक जैसे ही है, बस फर्क है उनके अंदर एंगल का। काउंटिंग की बात करें समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज की काउंटिंग बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे कि वर्गों की काउंटिंग की जाती है। तो चलिए, क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है आपके सामने, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है जिसमें आपको इस तरह का डायग्राम दिया है और आपसे बोला है कि इसमें, इस चित्र में कितने समचतुर्भुज आपको बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कितने समचतुर्भुज बनते हुए नजर आएंगे, तो इसकी काउंटिंग करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आपने वर्गों की काउंटिंग की है। ठीक है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, मान लीजिए ये समचतुर्भुज ही है। ठीक है, तो कितने समचतुर्भुज बनेंगे, तो काउंटिंग करने का तरीका वही रहेगा। आप क्षैतिज रेखा पर कितने समचतुर्भुज आ रहे हैं छोटे, उनको काउंट करेंगे तो चार, और ऊर्ध्वाधर पर देखें 1, 2, 3, 4, तो ये कितने का समचतुर्भुज हो गया, 4x4 का समचतुर्भुज हो गया। और इसमें समचतुर्भुजों की गणना करनी है तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 कम करेंगे 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ संख्या बराबर है, अतः मैंने स्क्वायर के रूप में लिखा है। अगर बराबर नहीं होती तो हम क्या करते हैं, जितने बाय जितने का उतना लिखते हैं और फिर एक एक कम करके वैसे लिखते हैं, और स्क्वायर की फॉर्म में दोनों तरफ बराबर है तो स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसे आगे जाएंगे नहीं क्योंकि 0 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4, 1। ठीक है जी, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आएगा 30। तो इसमें समचतुर्भुजों की गणना की अगर बात करें तो समचतुर्भुज कितने होंगे, तो इसमें समचतुर्भुज होंगे 30। क्लियर है यहां तक की बात, चलिए इसको हटा देते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर समचतुर्भुजों की गणना में क्वेश्चन में अगर आपको अलग अलग साइज का भी दे देता है तो आप इसे भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपसे समचतुर्भुज पूछता है कि कितने समचतुर्भुज बनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5×4 का एक समचतुर्भुज है, इसमें समचतुर्भुजों की गणना करनी है तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। 5×4 प्लस दोनों तरफ एक एक कम किया 4×3 प्लस दोनों तरफ एक एक कम किया 3×2 प्लस दोनों तरफ एक कम किया 2×1 और इससे कम करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहां पर हम रोक देंगे। तो 5×4 20, 4×3 12, 6×2। ठीक है, तो यहां पर टोटल कितना आ जाएगा, यहां पर 40 समचतुर्भुज आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो यहां तक की बात हमने जो करी वो मैंने आपको आज दो चीजें सिखाई, वो था आपको वर्गों की गणना और समचतुर्भुजों की गणना। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट जो था आकृतियों की गणना में वो हमने अच्छे से सीख लिया है कि हम किसी भी वर्ग के अंदर वर्गों की काउंटिंग कर सकते हैं और किसी भी समचतुर्भुज में हम समचतुर्भुजों की काउंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आयतों की गणना की। ठीक है, मैंने आपको इसमें क्वेश्चन में ट्रिक भी सिखाई है और मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी सिखाया है कि वो ट्रिक किस तरह से बनी है, वो भी सिखाने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग लगा लीजिए आयतों की गणना। आयतों की गणना करते समय आपको एक चीज सबसे पहले यह समझनी पड़ेगी, वो ये कि दुनिया के जितने भी वर्ग हैं वो भी आयत हैं। सभी वर्ग आयत हैं परंतु सभी आयत वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सभी वर्ग आयत हैं परंतु रिवर्स ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। सभी वर्ग क्या है, आयत हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण उसकी परिभाषा में ही छुपा है। अगर हम बात करें आयत की परिभाषा, तो कैसी आकृति को आप आयत बोलेंगे, क्या क्वालिटी होगी जब उसको आप आयत बोलेंगे, तो उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसी जो भी आकृति होगी उस आकृति को आप क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। ये है आयत की परिभाषा। अब हम बात करते हैं वर्ग, आप वर्ग किसे बोलते हैं, तो वर्ग अगर आप देखें तो वर्ग के अंदर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं। अब हम बात करें, देखिए आयतों की
गणना से या आयतों के अंदर अगर आयत की डेफिनेशन से बात करें तो आयत के लिए क्या था, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या वर्ग को हम ऐसे बोल सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर है, तो क्या यह भी बोला जा सकता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है? बिल्कुल बोला जा सकता है, जब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं, ऐसे बोला जा सकता है। और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, यानी कि वर्ग जो है वो आयत की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसी वजह से दुनिया का हर एक वर्ग क्या है, आयत। परंतु हर आयत वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी वर्ग में, किसी आयत में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर है परंतु चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो वो आयत वर्ग नहीं कहलाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? तो ये बात समझ में आती है कि जब आयतों की गणना होगी तो उसमें वर्ग भी काउंट होंगे। अगर क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि आयतों की गणना कीजिए तो उस आयतों की गणना में वर्ग भी काउंट होंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है केवल आयतों की गणना करें या फिर ऐसे आयत जो कि वर्ग नहीं है उनकी गणना करें, तब फिर हमें वर्गों को छोड़ना है, केवल आयतों की गणना, केवल ऐसे आयत गणना, ऐसे आयतों की गणना करनी जो केवल आयत है परंतु वर्ग नहीं है। याद रखना, ये क्वेश्चन के अंदर आपको लैंग्वेज ढंग से पढ़ना है, तभी फिर उसका आंसर आपको करना है। चलिए बात करते हैं अब आयतों की गणना के अंदर। अगर हम बात करें आयतों की गणना की, तो सबसे पहले तो देखिए आयतों की गणना में क्या डिफिकल्टी, क्या कठिनाई आती है। ठीक है, अगर हम बात करें आयतों की गणना की, तो अगर मैं आपके सामने एक चित्र बना देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने आयत हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अगर कन्वेंशनली सॉल्व करना चाहें, यानी कि एक एक वर्ग, एक एक आयत को ढूंढ ढूंढ के काउंट करना चाहें, तो वो टास्क, वो काम इम्पॉसिबल जैसा है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। टाइम बोले तो इतना टाइम, यानी कि आप मान के चलिए एक घंटा लग जाएगा आपको इसके अंदर आयतों को ढूंढने में। फिर भी हो सकता है आप मिस्टेक कर दें, और हो सकता है आप बार बार ये मिस्टेक करें आयतों की गणना में। यानी कि आयतों की गणना को इस तरह से नॉर्मल तरीके से काउंटिंग करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो समझते हैं कि फिर आयतों की गणना किस तरह से की जा सकती है। तो देखिए, आयतों की गणना के पहले, देखिए मैं अब यहाँ पर आयतों की गणना का पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, और कॉन्सेप्ट के बाद में इसका ट्रिक भी समझा दूंगा। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है बहुत अच्छी चीज़ है, जिनको नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, आप उसका ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, उससे भी आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका हमेशा दिमाग में ये रहता है कि कोई भी चीज़ अगर बताई जाए, कोई भी ट्रिक बताई जाए, तो वह कैसे आई उसके पीछे का कारण जानने का हमेशा उनका मन रहता है। ठीक है, तो वो उन बच्चों के लिए भी ये चीज़ समझ में आया उनको कि ये कैसे आया, तो उन्हीं के लिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। और जिन बच्चों को केवल इससे मतलब होता है कि केवल हमें एक ट्रिक बता दीजिए, हमें बस आंसर से मतलब है, तो मैं इस क्वेश्चन का ट्रिक भी बता दूंगा कि आपको किस तरह से इसका सीधा ट्रिक है जिससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आयतों की गणना, देखिए किस तरह से बना है आयतों की गणना का कॉन्सेप्ट, उसको समझने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाना चाहूँगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले दो तीन चीज़ें समझते हैं कि इसकी काउंटिंग किस तरह से की जाएगी। तो इसकी काउंटिंग के लिए हम हेल्प लेंगे क्रमचय व संचय की। मैं ये चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि आपको इसके पीछे छुपा हुआ कारण भी पता चले कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। विकर्णों की गणना में भी हम इसी की हेल्प लेते हैं, क्रमचय और संचय की। और कोई भी जो ट्रिक बनती है, चाहे त्रिभुजों की गणना हो, चाहे आयतों की गणना हो, चाहे द्विकर्णों की गणना हो, चाहे आपका वर्गों की गणना हो, उसमें हमेशा ये क्रमचय व संचय का ही रूल रहता है। बस आपको मालूम नहीं रहता, आपको बता दिया जाता है आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, उसके पीछे छुपा हुआ कारण हमेशा क्रमचय व संचय रहता है। पिछला जो क्वेश्चन आपने किया था वर्गों की गणना, उसमें भी जो वो कॉन्सेप्ट था वो और कहीं से नहीं, वो पैटर्न किसको फॉलो कर रहा था, वो क्रमचय और संचय की हेल्प से ही बनाया गया था। सबसे पहले समझिए कि संचय का मतलब क्या होता है। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, किन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करना। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्रमचय का मतलब होता है इकट्ठा करने के बाद, इकट्ठा करना प्लस उन्हें जमाना। यानी कि क्रम संचय के अंदर हम केवल क्या करेंगे, उन्हें केवल इकट्ठा करेंगे, जिन्हें हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन, क्रमचय जिन्हें हम बोलते हैं परमुटेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा भी करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में उन्हें हम क्या करते हैं, जमाते भी हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं संचय के ऊपर, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो भी संचय से ही बनेगा। चलिए हम बात करते हैं संचय के ऊपर, तो मैं आपको एक संचय का एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखिए संचय, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो इसको एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए ए बी सी डी ई ये मेरे पास में फाइव स्टूडेंट्स है या फाइव गर्ल्स है। मैं ये पूछता हूं कि इनमें से मुझे दो गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, दो गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, टू गर्ल्स, दो लड़कियों का सिलेक्शन करना है, उनको सेलेक्ट करना है, उनको इकट्ठा करना है मुझे, तो मैं किस तरह से या कितने तरह से उस काम को कर सकता हूं वो चीज मुझे देखनी है। तो आप किस तरह से करेंगे कि सर एक काम कीजिए, आप ए को सिलेक्ट कीजिए और ए के साथ में आप एक बार बी को रख के ले लीजिए तो ये दो गर्ल्स सेलेक्ट हो गई, या आप ए के साथ में सी को सेलेक्ट कर लीजिए, या आप ए के साथ में डी को सेलेक्ट कर लीजिए, या आप ए के साथ में ई को सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि ये एक दो तीन चार, चार तरह से आप ए के साथ में अलग अलग बच्चों का पेयर बना सकते हैं। अब ए को छोड़ दीजिए, ए का सिलेक्शन सबके साथ हो गया है, अब बी को उठाइए और बी से बात कीजिए कि आप किस किस के साथ में पेयर बना सकते हैं, तो बी का ए के साथ में तो ऑलरेडी एक पेयर बन चुका है, अब बी का नया पेयर बनेगा सी के साथ में, तो बी सी, बी डी, बी ई, आप देख सकते हैं यहां कितने पेयर बन रहे हैं, तीन पेयर बन रहे हैं। तीन तरह से बी क्या कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है। अगर हम बात करें सी से तो सी देखिए कितने पेयर बना सकता है, तो देखिए सी की अगर हम बात करें, चलिए तो देखिए सी की अगर हम बात करें तो सी कितने पेयर बना सकता है, तो सी को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो सी बोलता है कि मेरा बी के साथ और ए के साथ ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, बी के साथ ये रहा और सी का ए के साथ ये रहा, तो नए पेयर कितने बनेंगे सी के, सी का बनेगा डी के साथ में और सी का बनेगा ई के साथ में, तो कितने पेयर हुए, दो। फिर हम पूछते हैं डी से कि भाई डी आप बताइए कितने पेयर बनेंगे, तो डी से अगर हम पूछते हैं तो डी क्या बोलता है, डी ये बोलता है कि मेरा ए सी बी और ए के साथ में पेयर बन चुका है, केवल एक नया पेयर है ई के साथ में, तो डी और ई कितने पेयर बने, एक। ई को जब सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि बाकी सबके साथ में वो पेयर बना चुका है, तो ई का कोई भी नया पेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपने बनाए हैं ये कितने तरीके हुए, 10, तो मतलब आप पांच बच्चों में से दो बच्चे सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 10 तरीके हो गए। ये जो काम मैंने आपको करके बताया इसी को बोलते हैं इकट्ठा करना, संचय करना। अब ये काम तो मैंने क्या है बहुत आसानी से या फिर मैंने कर दिया क्योंकि बच्चे थे पांच और उसमें से मुझे दो सेलेक्ट करना था, पर अगर मेरे पास में टास्क ऐसी होती कि अगर मेरे पास में 2000 बच्चे हैं और उसमें से मुझे 200 बच्चों का सिलेक्शन करना है तो ये काम फिर इस तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता। पर आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न क्या है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये जो घटते हुए पैटर्न है इसी को हम बोलते हैं कि अगर एन वस्तुओं में से अगर आर वस्तुओं का सिलेक्शन करना है, एन वस्तुओं में से अगर मुझे आर वस्तुओं का सिलेक्शन करना है, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का सिलेक्शन करना है, जहां पर आर का मान एन से छोटा होगा या फिर एन के बराबर हो सकता है, एन से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, आर का मान एन से छोटा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है पांच वस्तु है, पांचवी वस्तु का सिलेक्शन करना है या पांच वस्तुओं का सिलेक्शन करना है, तो फिर एक ही तरीका होगा कि उन पांचों को एक साथ सेलेक्ट कर ले, तो पांच में से पांच वस्तु भी सेलेक्ट की जा सकती है, पांच में से चार भी सेलेक्ट की जा सकती है, पांच में से तीन भी की जा सकती है, पांच में से दो भी की जा सकती है, पांच में से एक भी की जा सकती है, और पांच में से ऐसा भी हो सकता है कि पांच में से जीरो, यानी कि हम किसी का सिलेक्शन करें ही ना, तो कितना तरीका होगा, तो भी एक तरीका होगा कि आप किसी को मत सेलेक्ट कीजिए, वो भी एक तरीका होगा। तो एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को सेलेक्ट करने का जो तरीका है उसी को हम बोलते हैं एनसीआर, ठीक है, कॉम्बिनेशन, सी फॉर कॉम्बिनेशन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इतने तरीके से आप एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है, चलिए अब इसका फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कई बच्चों को फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता है तो मैं फैक्टोरियल का मतलब भी बता देता हूं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है क्रमिक गुणज, क्रमिक का मतलब 5, 5 से कम 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, यानी कि जहां जितनी संख्या दे रखी है उसे घटते क्रम में 1 तक की संख्या लिखेंगे और उन सबको गुणा करेंगे, इसी क्रमिक गुणज को कहते हैं हम फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम बात करें एक जनरल वे में कि फैक्टोरियल एन अगर लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल एन का मतलब है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू,
एन माइनस थ्री और इसी तरह से कहाँ तक, एक तक। क्लियर बात, ये इस तरह से आप गुणा करेंगे, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम बात करें फैक्टोरियल दो की तो दो का मतलब होगा दो इंटू एक दो। अगर हम बात करें फैक्टोरियल एक की तो एक का केवल एक आएगा। एक चीज ध्यान रखना कि फैक्टोरियल जीरो का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। फैक्टोरियल जीरो का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। क्लियर है, चलिए तो ये तो मतलब था फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल जीरो का मतलब एक कैसे होता है, ये आपके कोर्स में नहीं है। अगर आप जैसे मुझे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इस चीज़ को समझा दूंगा कि फैक्टोरियल जीरो एक के बराबर कैसे आया। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं अभी समझाने लगूंगा तो ये चीज़ अलग से बहुत टाइम ले लेगी, या फिर चलिए अगर बात हुई है तो फिर समझा ही देता हूँ मैं आपको। चलिए, फैक्टोरियल जीरो एक कैसे आया, इसको समझने का तरीका देखिए, छेड़ी है बात तो फिर इसको कर ही देते हैं। देखिए, फैक्टोरियल जीरो एक कैसे, एक के बराबर कैसे है। अगर आप देखें फैक्टोरियल पाँच अगर मैं लिखता हूँ तो पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, टोटल कितना आएगा? अगर आप इनको तीनों को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120। पाँच चौक 20, 60 और 2 इंटू 120। फैक्टोरियल चार को देखें तो कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। फैक्टोरियल तीन को देखें तो कितना आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल दो को देखें तो 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2। फैक्टोरियल एक को देखें तो कितना आएगा? 1। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि फैक्टोरियल पाँच से फैक्टोरियल चार जब निकाला तो आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी? आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, इस पर हम आते हैं थोड़ी देर में, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि फैक्टोरियल पाँच में पाँच का भाग लगाते हैं तो फैक्टोरियल चार मिलता है। फैक्टोरियल पाँच में पाँच का भाग लगाते हैं तो फैक्टोरियल चार मिलता है। क्लियर, चलिए फैक्टोरियल चार से देखिए फैक्टोरियल तीन। फैक्टोरियल चार में अगर चार का भाग लगाते हैं तो फैक्टोरियल तीन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, आ रहा है? चार 24, 24 में चार का भाग लगाया 6, तो फैक्टोरियल तीन के बराबर है। फैक्टोरियल तीन में तीन का भाग लगाते हैं तो आता है फैक्टोरियल दो। 6 में तीन का भाग लगाया तो कितना आया? दो, फैक्टोरियल दो के बराबर। फैक्टोरियल दो में दो का भाग लगाते हैं तो आता है एक, फैक्टोरियल एक। दो में दो का भाग लगाया, दो में फैक्टोरियल दो में दो का भाग लगाया एक। नाउ फैक्टोरियल एक, फैक्टोरियल एक में क्या करेंगे? तो फैक्टोरियल एक में एक का भाग लगाएंगे। फैक्टोरियल एक में ध्यान से समझना, इसी पैटर्न को देखो, पाँच में पाँच का भाग लगाया तो फैक्टोरियल चार, चार में चार का भाग लगाया फैक्टोरियल चार में चार का भाग लगाया फैक्टोरियल तीन, फैक्टोरियल तीन में तीन का भाग लगाया फैक्टोरियल दो, फैक्टोरियल दो में दो का भाग लगाया फैक्टोरियल वन। नाउ फैक्टोरियल वन में वन का भाग लगाएंगे तो इसी प्रोसेस में देख रहे हैं कि यहाँ आएगा फैक्टोरियल जीरो। और अगर आप देखें तो फैक्टोरियल जीरो कितने के बराबर आ रहा है? तो फैक्टोरियल जीरो वन डिवाइड बाई वन कितना आएगा? वन। तो ये यहाँ से प्रूव होता है कि फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है? वन होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये डाउट भी अगर आपके मन में आता है तो मैंने उसको भी समझा दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है? अपना टास्क ध्यान रखना, टास्क क्या था? काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। पर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, हम क्रमचय की बात कर रहे हैं, संचय की बात कर रहे हैं। और चूंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके काउंटिंग ऑफ फिगर में जो बहुत टिपिकल होंगे दिखने में, पर इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। पर ये चीज़ आपको मालूम होगी तभी आप बना पाएंगे। तो चलिए, फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया है, संचय का मतलब समझ में आ गया, इकट्ठा करना। संचय का जनरल फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, जनरल फॉर्मूला क्या था? तो जनरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुएं सेलेक्ट करनी है तो फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर। ठीक है, आगे बात समझ में? यानी कि अगर मुझे पांच वस्तुओं में से दो वस्तुएं सेलेक्ट करनी है, पांच बच्चों में से दो बच्चे सेलेक्ट करने, तो फैक्टोरियल पांच डिवाइड बाय पांच माइनस दो फैक्टोरियल तीन और फैक्टोरियल दो। क्लियर, चलिए तो फैक्टोरियल पांच, पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक डिवाइड बाय फैक्टोरियल तीन, तीन इंटू दो इंटू एक। अब एक चीज मैं आपको और ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं, वो क्या कि सॉरी फैक्टोरियल सेवन डिवाइड बाय फैक्टोरियल फाइव है तो आप देख सकते हैं कि सात इंटू छः इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, तो यहाँ तक के जो है ये क्या फैक्टोरियल पाँच ही तो है? और नीचे आपको फैक्टोरियल पाँच से ही आपको भाग लगाना है, तो क्या मैं ये काम ऐसे कर सकता हूँ कि फैक्टोरियल सात को सात इंटू छः लिख दूँ और फैक्टोरियल पाँच पे छोड़ दूँ और नीचे फैक्टोरियल पाँच बैठा है ये इसे कट कर देगा तो सात छः बयालीस, मतलब कि क्या इसकी वैल्यू बयालीस आ जाएगी? हाँ यार,
तो सिमिलरली ये काम भी यहां पर भी कर सकता हूं मैं कि ये जो 3 × 2 × 1 है इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 3। और नीचे ये जो 3 × 2 × 1 लिखा है इसको मैं क्या रहने देता हूं, फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, तो ये इससे ये कट हो जाएगा 5 × 20 / 2 = 10। तो आपने देखा था कि 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां सेलेक्ट करने के कितने तरीके थे, 10 ही तरीके थे, और ये वही 10 तरीके आपके सामने हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए, तो आपको n वस्तुओं में से r वस्तुएं सेलेक्ट करना भी आ गया है। धीरे धीरे मैं आपको उस टास्क के ऊपर लेके आ रहा हूँ, जो मेरे को करना है वो है आयतों की गणना। इसी को करने से पहले एक एग्जाम्पल और समझिए कि अगर मान लीजिए 5 लड़के हैं या फिर 5-6 लड़के हैं, उनमें से मुझे 2 लड़कों को सेलेक्ट करना है। तो 6 लड़कों में से 2 लड़कों को सेलेक्ट करने का तरीका हो गया ये लड़कों को सेलेक्ट करना है, 6 में से 2 लड़के सेलेक्ट करना, और लड़कियों में से मुझे 5 लड़कियों में से मुझे 2 लड़कियों को सेलेक्ट करना है, तो 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां सेलेक्ट करने का ये तरीका हो गया। और ये जो 4 बच्चे हैं, ये 4 जो बच्चे आएंगे 1, 2, 3, 4, इन 4 बच्चों को मुझे पिकनिक भेजना है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं इन 4 बच्चों के, तो वो अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 6 बच्चों में से 2 बच्चे भी सेलेक्ट करने हैं और 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां भी सेलेक्ट करनी, यानी 6 लड़कों में से 2 लड़के भी सेलेक्ट करने और 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां भी सेलेक्ट करनी है, दोनों काम एक साथ करने हैं, तो इसके बीच में आता है मल्टीप्लाई का। अगर यहां पर एंड है, एंड यानी और, हिंदी वाला और, यानी ये भी करना है और ये भी करना है, तो बीच में आता है मल्टीप्लीकेशन। और अगर यहां पर 6 लड़कों में से 2 लड़के सेलेक्ट करने हैं, 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, परंतु हमें यहां पर केवल 2 बच्चों का ही सिलेक्शन करना है, तो फिर बीच में है यानी कि और, तब आता बीच में प्लस। आगे बात समझ में? तब आता है प्लस, यानी या लगेगा तो प्लस आएगा और एंड यानी कि और लगेगा, दोनों काम एक साथ करने तो बीच में आएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन अगर आता है तो देखिए, 6 लड़कों में से 2 लड़के और 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, तो कुल कितने तरीके होंगे? तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 6 / 6 − 2 = 4 × 2, यहां पर आएगा फैक्टोरियल 5 / 3 5 − 2, और ये फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो यहां पर 6 × 5 = 4 / 4, और ये 2 का फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ये कट जाएगा, 6 × 5 = 30 / 2 = 15। फैक्टोरियल 5 × 4 = 3 / 3, और 2 × 2 का मतलब 2, ये कट जाएगा, 5 × 20 / 2 = 10। तो 15 × 10 कितना आ जाएगा? 150। यानी 150 ऐसे तरीके होंगे 4 बच्चों को सेलेक्ट करने के, 150 तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं आप। कईयों के मन में आ रहा होगा कि क्या समझाने लग गए हैं सर, ये आपके आयतों की गणना का ही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जो ट्रिक आप रटते हैं वो ट्रिक कैसे आई है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिक कैसे आई है, वही चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको कि ट्रिक कैसे आई है, ताकि आप इस चीज़ को अपने जहन में उतार सकें कि ये कोई भी ट्रिक रटने का नहीं है, उसका पीछे छुपा हुआ कारण भी आपको मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आ जाते हैं हम आयतों की गणना के ऊपर। तो आयतों की गणना का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ये कॉन्सेप्ट किस तरह से लगेगा मैं भी थोड़ी देर में इसको काम में लूँगा। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ये लीजिए, और इसको अपन यहाँ रख लेते हैं, ये आप अपने सामने रख दो। चलिए, अब आते हैं हम आयत के क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है इसमें आपसे पूछा है आयत कितने होंगे। अब देखिए, आयत कितने होंगे, तो आयतों की गणना के लिए आप समझिए कि एक आयत बनता कैसे है। तो उसको आप ऐसे समझिए कि जब जब 2 क्षैतिज रेखाओं का सिलेक्शन होगा और 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं का आप सिलेक्शन करेंगे, 2 कोई भी क्षैतिज रेखा उठा लीजिए, मान लीजिए ये रेखा उठा लिया और ये वाली रेखा उठा ली, ठीक है, ये वाली रेखा ले लिए और ये वाली रेखा ले लिया, तो ये रेखा उठा ली और ये वाली रेखा उठा ली, और उद्वादन में ये वाली रेखा ले लीजिए और ये वाली रेखा ले लीजिए, तो ये वाली रेखा ले ली और एक ये वाली रेखा ले ली, इसके बीच में जो ये आकृति पैक होगी, ये आकृति क्या होगी, ये आकृति आयत होगी। हाँ या ना? तो जब जब 2 क्षैतिज रेखाएं और 2 उद्वादन रेखाओं का सिलेक्शन होगा, तब तब एक आयत बनेगा ही बनेगा। क्लियर है बात? अब समझिए कि इस चीज को मैं इससे लिंक कैसे करता हूं। तो देखिए,
चलिए आ गया। तो इस चीज को देखिए हम इससे लिंक कैसे करते हैं। देखिए यहां पर देखिए कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं, कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं और कितनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, ये एक दो, ये पूरा गन्ना आपको एक दो तीन चार पाँच, क्षैतिज पाँच रेखाएं हैं। ऊर्ध्वाधर कितनी रेखाएं, तो एक दो तीन चार पाँच छः ऊर्ध्वाधर रेखाएं। जब जब पांच क्षैतिज रेखाओं में से दो क्षैतिज रेखाओं का सिलेक्शन होगा और छह ऊर्ध्वाधर रेखाओं में से दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं का सिलेक्शन होगा, ये दोनों काम एक साथ करने हैं, क्योंकि जब आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया था और इन दोनों को सिलेक्ट किया था, चारों को एक साथ रखा था तभी बीच में एक आयत मिला था, तो ये दोनों काम एक साथ करने हैं। तो कितने अलग अलग तरह से किया जा सकता है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। ये इसका जो आंसर बनेगा कितना आया था, 150। इसका मतलब 150 तरह से आप ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस आकृति में 150 आयत है, ये इसके पीछे छुपा हुआ पूरा कॉन्सेप्ट था। जिन बच्चों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर इस चीज़ को छोड़ दीजिए। मैं आपको सीधा इसका टेक्निक बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि आप इस काम को डायरेक्टली 10 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने केवल इसलिए समझाने की कोशिश करी जिन बच्चों को इंटरेस्ट रहता है इस चीज़ को जानने में कि कैसे आया, वो इस चीज़ को समझ सकें। चलिए अब मैं बात करता हूँ, तो ये चीज़ तो हो गई, हमने आयतों की गणना करी। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये 150 आयत हैं, इन 150 आयत में आपके वर्ग भी हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये दो रेखाएं सेलेक्ट होगी और ये दो रेखाएं सेलेक्ट होगी तो बीच में बनने वाली चीज वर्ग है, वो भी इन 150 के अंदर काउंट है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो अब मैं बात करता हूं, किस पे आता हूं, मैं आता हूं सीधे ट्रिक के ऊपर। ट्रिक क्या है वो समझिए। ट्रिक यह है कि अगर मुझे बोला गया है इसमें कितने आयत हैं, तो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है वो समझिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अब आपके लिए। तो आपको करना क्या है, एग्जाम में आप इस तरह से नंबरिंग करेंगे, इस तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, और इसी तरह से क्षैतिज में करा उसी तरह से ऊर्ध्वाधर में करेंगे, एक से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 लिख लिया। ठीक है, इन सभी नंबर को जोड़ देना है, इन सभी नंबर को जोड़ना है, तो जोड़िए कितना आएगा, 5 4 9 3 12 14 और 1 15, ये आएगा 15। इसी तरह से यूं भी जोड़ना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये भी आएगा 15, और ये 15 × 15 को आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 225, यानी कि इस पूरी आकृति में 225 आयत हैं जिनमें वर्ग भी आपके शामिल है। ठीक है, अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसको भी करके बता देता हूँ, ये चीज़ आप नोट कर लेना। पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर कुछ इस तरह का डायग्राम था, ये कुछ डायग्राम था। ठीक है, और आपने देखा था कितने आयत आए थे, उसमें 150 आयत आए थे। चलिए इसमें देखिए क्या ये काम करता है, क्या 1 2 3 4 5 सबका योग करा कितना आ रहा है, 15। 1 2 3 4 सबका योग करा कितना आ रहा है, 10। 15 × 10 कीजिए कितना आ रहा है, 150। ये 150 आयत हो गए। क्लियर, बिल्कुल सिंपल काम है, 10 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि किसी आकृति में कितने आयत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि इस आकृति में आयत कितने हैं, तब आपका आंसर होता 150। अगर इसमें मैं पूछ लेता कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग भी आप निकाल सकते हैं, वर्ग कितने हैं तो वर्ग कैसे निकालेंगे, कितने बाई कितने का है, तो 1 2 3 4 5 5 और 1 2 3 4 5 × 4 का है। ठीक है, 5 × 4 का वर्ग है, तो 5 × 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1 20 12 6 और 2 टोटल 40 क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। ये भी क्लियर है, ये भी कर सकते हैं, ये वर्ग का काम हो गया। अब आपको जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो है ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है, ऐसे आयत जो कि वर्ग नहीं है तो वो कितने होंगे, आयत कितने हैं 150, वर्ग कितने हैं 40, माइनस कर दीजिए तो ये 110 जो बचेंगे वो केवल आयत हैं परंतु वर्ग नहीं है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी,
तो किसी भी चित्र में किसी भी आप उसमें आयतों की गणना भी आसानी से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश करिए, ट्रिक भी समझाने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं रीजनिंग की एक और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।